हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होता है वो कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है जहाँ से पीवाई के होते हैं वो काफ़ी पूछ गए हैं, जहाँ पर ये आज का टॉपिक होगा फ्लो साइटोमेट्री। यानी फ्लो साइटोमेट्री होता है उसका अदर नेम देखें तो फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टनिंग होता है, उस नाम से भी जानते हैं इसको, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है FACS। अगर देखें तो इसके जो शॉर्ट में बोलते हैं FACS होता है, उसके नाम से जानते हैं। फिर आता है कि जो फ्लो साइटोमेट्री होता है उसका पर्पज होता है वो क्या होता है, यानी किसमें यूज़ करते हैं, तो उससे सेल की काउंटिंग होती है, यानी सेल होता है उसको काउंट कर सकते हैं, सेल की शॉर्टनिंग कर सकते हैं। यानी कि जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के अंदर हम डिफरेंट टाइप के फेस देखते हैं, जहाँ पर हम इंटरफेस देखते हैं, एम फेस देखते हैं। इंटरफेस के अंदर G1 की स्टडी कर सकते हैं, S की, एंड जो G2 होता है उसकी स्टडी कर सकते हैं। सेल में जो डिवीजन होता है उसको हम इस जो टेक्निक होता है उससे देख सकते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस की जो सेल होती है उसका एक्सपेरिमेंट होता है वो किया जाता है इस टेक्निक के अंदर, जहाँ पर हमें अर्ली एपोप्टिक सेल और जो लेट एपोप्टोटिक सेल होती हैं वो मिलती हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के रूप में एक लिगेंड होता है, रिसेप्टर होता है, किस प्रकार से आपस में इंट्रैक्ट होते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। फ्लो साइटोमेट्री होता है उसका पर्पज क्या होता है, हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इसके पर्पज होते हैं वो क्या होते हैं। फिर अगर देखें तो जो फ्लो साइटोमेट्री होता है उसमें कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको कंपोनेंट होता है वो देखने के लिए, यानी एक सेल लेते हैं, फ्लो सेल होता है वो यूज़ करते हैं। फिर आता है कि मेजरिंग सिस्टम होता है, यानी मेजर किया जाता है। फिर आता है एक डिटेक्टर होता है वो लगा होता है, एम्पलीफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्यूटर फॉर एनालिसिस होता है वो भी किया जाता है। फिर आता है डायग्राम से समझे तो यहाँ पर जो सेल होता है वो सेल को एक बॉक्स होता है उसके अंदर लोड किया जाता है, यहाँ पर सेल होता है, इसको मिक्सर होता है, डिफरेंट टाइप की सेल मिक्सर होता है, यहाँ पर काफी सेल प्रेजेंट होता है, जहां पर जो सीथ फ्लूड होता है उसके द्वारा प्रेशर होता है वो डाला जाता है, जिसके कारण सेल होती है वो एक लाइन के अंदर होता है, वो लाइन के अंदर होता है, वो बाहर की तरफ रिसीव की जाती है। यहां पर एक सिंगल सेल होता है उसकी एक लाइन बनी होती है, यहाँ पर लेजर होता है प्रेजेंट होता है, इस लेजर में क्या होता है जो फॉरवर्ड एंड जो साइड जो सेक्टेड लाइट होता है ऑन फ्रॉम ऑल द डिटेक्टर होता है, वहाँ पर जो डिटेक्टर होता है उसके द्वारा कौन सी लाइट होती है वो फैलाव यानी फैल रही है, कौन सी लाइट होता है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी है, दूसरी कंडीशन में फ्लोरोसेंस इमिट होता है, यानी कि जो फ्लोरोसेंस लाइट होती है वो इमिट होती है। स्ट्रेन फॉर डिटेक्टर, जहाँ पर हम स्ट्रेन करते हैं वो लाइट होती है, वो जो हमारा डिटेक्टर होता है वहाँ पर हमें मिलती है। जहाँ पर आप डायग्राम होता है उसके बेसिस पर समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम होता है वो दिख रहा होगा, जहाँ पर आप देख हैं कि किस प्रकार से डिटेक्टर होता है उसके द्वारा लाइट होता है वो इमिट की जा रही है, किस प्रकार से होता है वो जो स्ट्रेन की हुई लाइट होती है वो फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर होता है वहां पर मिल रही है, यानी फ्लोरोसेंस कंडीशन में। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके द्वारा, इसका बेसिक होता है वो समझ सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। फिर आगे देखें, डिटेक्टर के द्वारा जैसे ही लाइट होती है वो इमिट की जाती है, तो यहाँ पर हमें फ्लोट होते हैं वो प्राप्त होते हैं। इस फ्लोट को चेक करें तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लोट होता है उसके अंदर जो वाई एक्सिस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल होता है, यानी यहाँ पर अभी हमने यूज़ देखा था जहाँ पर हम काउंटिंग कर सकते हैं सेल होता है उसकी, तो इसमें जो वाई एक्सिस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो दे रखी है, और एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर फ्लोरोसेंस होता है, यानी जो हमें स्टेन कर रखा है वो लाइट होता है इमिट हो गया, यानी फ्लोरोसेंस कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वो ए की दे रखी है, एंड इसकी मीडियम होता है वो दे रखी है, सी की होता है वो ए से थोड़ा होता है वो लो दे रखी है। फिर अगर चेकआउट तो यहां पर एबीसी लिख रखा है, यहां से जो सीएसआई नेट होता है वहां पर डायरेक्टली आप एबीसीडी देकर के क्वेश्चन होता है पूछा जाता है, जहां पर आपको याद रखना है कि जो सेल साइकिल होता है वो उसके अंदर चेक करते हैं तो जीवन की फेज होता है वहां पर नंबर ऑफ सेल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। यहां पर अगर चेकआउट करें तो यहां पर 50 सेल अप्रोक्सीमेटली 50 सेल होती है वो देख रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ सेल जिसके ज्यादा है वो जीवन फेज के अंदर आएगा, यानी ए कंडीशन होता है वो जीवन होगा। फिर बी कंडीशन को चेक करें तो यहां पर एस फेज आएगा, यानी मीडियम होता है वो फ्लोरोसेंट कंडीशन दे रखे हैं, मीडियम नंबर ऑफ सेल दे रखे। फिर अगर सी को चेकआउट करें तो यहां पर जी टू एंड एम होता है वो दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में आएंगी, यानी जी टू एंड एम फेज होता है वो सी अमाउंट सी जो कंडीशन होती है वो दे रखी है, जहां पर नंबर ऑफ सेल होती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 तक होता है वो दिखाई दे रही है, 30 से अबव ही देती है। फिर अगर देखें तो दूसरा जो फ्लोट होता है, यहां पर हमने जो वाई एक्सिस इस फ्लोट के अंदर देखा तो वहां पर वाई एक्सिस होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होती है वो दे रखे, जबकि एक्स एक्सिस होता है वहां पर हमें फ्लोरोसेंस होता है वो दे रखा है। अगर यहां पर इस फ्लोट के अंदर देखें तो जो वाई एक्सिस होता है उसके अंदर हमें फ्लोरोसेंस होता है वो दे रखा है, यानी जस्ट अपोजिट इस फ्लोट का होता है वो अपोजिट दे रखा है, यानी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर फ्लोरोसेंस होता है वाई एक्सिस पर दे दिया गया और एक्सेस होता है वहां पर नंबर ऑफ सेल्स होता है वो हमें काउंट होता है वो करनी है। जहां पर अगर अभी हमने जस्ट चेकआउट किया है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स यानी फ्लोरोसेंस होता है वो सबसे ज्यादा किसका फ्लोरोसेंस होता है वो देखे तो यहां पर जीवन होता है उसका फ्लोरोसेंस ज्यादा है, यानी यहां पर चेकआउट करें तो फ्लोरोसेंस होता है इस डायग्राम के अंदर जस्ट हमने देखा था 0.8 होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस होता है वो सी कंडीशन का था, यानी सी कंडीशन यानी अपोजिट डायग्राम हो गया, तो यहां पर जो जी टू एंड एम होता है उसका फ्लोरोसेंस होता है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लोरोसेंस होता है अप्रोक्सीमेटली यानी जीवन जी टू एंड एम होता है उसका सबसे ज्यादा दे रखा है, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा जस्ट फ्लोट ए होता है उसका जस्ट अपोजिट, तो सेकंड फ्लोट होता है वो अपोजिट हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर होता है वो अपने अपोजिट दे रखा है।
अगर बी होता है वो चेकआउट करे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है वो ऐसे रहेगा, सी के अंदर देखे तो कंडीशन अपोजिट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। यहाँ पर अगर फ्लोट के अंदर चेक करें तो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ज़्यादा है एंड फ्लोरोसेंस होता है वो सबसे कम दे रखा है J1 का, तो यहाँ पर भी चेकआउट करे तो सबसे कम जो फ्लोरोसेंस दे रखा है वो सी कंडीशन का दे रखा है एंड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सी कंडीशन की दे रखे हैं। यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो सी कंडीशन J1 हो जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोरोसेंस होते हैं वो लो दे रखे हैं जबकि नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो हाईएस्ट कंडीशन के अंदर दे रखे हैं। अगर इसका क्वेश्चन होता है वो चेकआउट करे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो नीचे की तरफ दे रखे हैं और यहाँ पर फ्लोरोसेंस हम डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं, यानी आप नंबर के रूप में भी ले सकते हैं एंड टू सी कंडीशन यानी जो हमें सेल साइकिल के अंदर होता है वो काउंट करते हैं जहाँ पर हम G1 स्टेज देखते हैं एंड G2 एंड M होता है वो स्टेज देखते हैं। तो जो G1 फेज होता है उसमें 2C क्रोमोसोम कंडीशन होता है लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता है S फेज होता है उसके अंदर यानी डबल हो जाता है रेप्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो X कंडीशन दे रखी है तो X होता है वो G1 कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर X होता है वो G1 कंडीशन हो जाएगी। फिर अगर Y की चेकआउट करें तो Y कंडीशन होता है वो S कंडीशन का, यानी S कंडीशन होता है वो इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता है तो Y कंडीशन होता है वो G2 नहीं होगा, यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि S कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर चेकआउट तो इस ऑप्शन के अंदर तो अक्स होता है वो G1 कंडीशन दे रखे एंड वाई होता है वो एस कंडीशन दे रखे, हमारा आंसर होता है वो भी इंटरमीडिएट है तो यहां पर एस कंडीशन रहेगी एंड जेड के अंदर देखे तो यहां पर G2 एंड M होता है वो कंडीशन रहेगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो करेक्ट हो जाएगा, बी होता है वो करेक्ट हो जाएगा जहां पर आपको नंबर ऑफ सेल्स होता है वो फ्लोरोसेंस दे रखा है, नंबर ऑफ सेल्स जस्ट अभी देखा था जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो G1 कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर अभी हमने फ्लोट होता है वो चेकआउट किया, नंबर ऑफ सेल्स होती है वो ज्यादा थी वो G1 फेज को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ये इंटरमीडिएट एस फेज को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट थोड़ा जो लो होता है G1 से वो G2 एंड M होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होता है वो बी हो जाएगा, यानी इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं सेल साइकिल से रिलेटेड। अगर हम अदर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो चेकआउट करें, जस्ट अभी हमने देखा था कि जो फ्लो साइटोमेट्री होता है उसका यूज हम जो सेल की शॉर्टनिंग एंड जो सेल साइकिल एंड अपोप्टोसिस होता है उसके अंदर भी करते हैं। तो अपोप्टोसिस का अगर एक्सपेरिमेंट होता है वो देखे तो किस टाइप से क्वेश्चन होता है पूछा जाता है अपोप्टोसिस में, फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके अंदर जो एपोप्टोसिस सेल होता है उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इस टाइप से क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है जहां पर आपको एक कंट्रोल सेल दे रखी है एंड एक एपोप्टिक सेल होती है वो दे रखी है, प्राइमरी जो नेक्रोटिक सेल होती है वो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर एंड सेकेंडरी नेक्रोटिक सेल होता है वो दे रखा है। यहां पर PI होता है उसे लेबल किया गया है जहां पर इस प्रकार से हमें यानी ये नेगेटिव साइन होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्लोरोसेंस होता है यहां पर एब्सेंट है और यहां पर भी क्या होता है FITC होता है वो भी एब्सेंट कंडीशन के अंदर है एंड जो यहां पर जो एपोप्टोटिक सेल होता है यहां पर अगर देखें तो ये कंडीशन होता है वो भी एब्सेंट है, यहां पर ये कंडीशन प्रेजेंट है। आपको ऐसे चेकआउट करना है, नेगेटिव का मतलब यानी वो चीज एब्सेंट है यहां पर इस कंडीशन के अंदर। तो इस प्रकार से प्लॉट होता है वो क्वेश्चन के अंदर होता है वो दिया हुआ होता है जहां पर PI कंडीशन नेगेटिव कंडीशन दे रखा है एंड FITC कंडीशन होता है पॉजिटिव कंडीशन दे रखा है, यानी यहां पर जो चेकआउट करे तो कैसी कंडीशन हो जाएगी आपको लिख लेना है। यहां पर अगर देखे तो यहां पर PI कंडीशन होता है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड जो FITC होता है वो पॉजिटिव कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये कंडीशन हो जाएगी। अगर सेकंड बॉक्स होता है उसको चेकआउट करें तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है PI कंडीशन होता है वो पॉजिटिव कंडीशन दे रखी है एंड यहाँ पर अगर चेकआउट करें तो यहाँ पर FITC पॉजिटिव, ये भी कंडीशन पॉजिटिव होता है वो दे रखा है। यहाँ पर अगर थर्ड बॉक्स होता है उसको चेकआउट करें तो PI कंडीशन होता है वो नेगेटिव कंडीशन दे रखा है एंड यहाँ पर चेकआउट करें तो ये FITC होता है वो नेगेटिव दे रखा है। फिर अगर यहाँ पर अगर देखें तो PI कंडीशन होता है पॉजिटिव दे रखा है एंड यहाँ पर देखें तो जो फ्लोरोसेंस लेबल्ड कर रखा है वो नेगेटिव कंडीशन के अंदर दे रखा है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको उट करना है कि यहां पर जो हमें जो कंट्रोल सेल होता है उसके अंदर दोनों ही कंडीशन में अब्सेंट है, दोनों ही कंडीशन अब्सेंट है तो आपको चेकआउट करना है कि कहां कहां पर नेगेटिव कंडीशन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से ये कौन सी सेल हो जाएगी, यहां पर अगर चेकआउट करें तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, आपको यहां पर चेक करना है कि ये कंट्रोल सेल हो जाएगी हमारी, ये कौन सी सेल होगी कंट्रोल सेल होगी। अगर आगे देखें तो यहां पर आता है कि एक नेगेटिव कंडीशन जहां पर PI कंडीशन नेगेटिव दे रखी है एंड FITC कंडीशन पॉजिटिव दे रखी है, यानी ये कंडीशन होती है वो कहां पर देखे दे रखी है तो एपोप्टिक सेल होता है उसके अंदर आपको ये कंडीशन दे रखी है। तो यहां पर हम शो कर लेंगे कि एपोप्टोटिक सेल होता है उसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है, एपोप्टोटिक सेल होता है उसके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। फिर आता है कि दोनों कंडीशन पॉजिटिव पॉजिटिव यानी दोनों कंडीशन प्रेजेंट है तो वो कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी जो नेक्रोटिक सेल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है कि जो लास्ट वाला रह गया वो कौन सा हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ये कंडीशन दे रखी है तो जस्ट अपोजिट ये कौन सी हो गया, सेकेंडरी नेक्रोटिक सेल होती है वो हो जाती है हमारी, नेक्रोटिक सेल होती है वो हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं CSI नेट के अंदर 2022 के अंदर ही इसी से रिलेटेड होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो PYQ पहले पूछे गए हैं CSI नेट के अंदर, वो हम अगले वीडियो के अंदर होता है वो सॉल्व करेंगे। ये